अगर आपको भी सिंपल पे लेटर का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है इंस्टेंट के इंस्टेंट, तो फिर इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है युवराज और आप सभी का स्वागत है मोबाइल टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखा कि सिंपल पे लेटर का बैलेंस 0% के चार्ज पर बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें, तो इस वीडियो में आपको हम यही सिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसे आप सिंपल पे लेटर का जो लिमिट बैलेंस मिलता है इस बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे आपके जो सिंपल पे लेटर का बैलेंस मिलते हैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए या फिर किसी तरह का बिल पेमेंट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर आपको इस पैसे को बैंक में लेना है तो कैसे लेंगे इस वीडियो में आपको बताएंगे विथ 0 रुपये के चार्ज पे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और आपके कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सोचिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सिंपल पे लेटर से अपने बैंक अकाउंट में 100 रुपये को पहले ट्रांसफ़र किया था, उसको आपको दिखा देते हैं, फिर आपको लाइव इसमें पैसे को ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। तो इसके लिए मैं अपना पेटीएम ऐप को ओपन कर लेता हूँ एंड बैलेंस एंड हिस्टोरी पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे पेटीएम बैलेंस देख सकते हैं कि मेरा 100 रुपया बैलेंस है। यहाँ पर मैंने पेटीएम के द्वारा लिया था। यहाँ पे व्यू ऑल पे मैं क्लिक करके आपको चेक करता हूँ कि किसके द्वारा मैंने लिया था। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको एक फास्टैग का एक ऑप्शन मिलेगा जो कि पेटीएम का फास्टैग है। इसी के द्वारा आप सिंपल पे लेटर का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अभी मैं आपको टोटल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको लेने बिना किसी चार्ज के और इसको कैसे आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अभी देख सकते हैं कि मैं अपना सिंपल पे लेटर में आ चुका हूँ, यानी कि इस ऐप में। यहाँ पे आने के बाद आपके सिंपल पे लेटर में बिल बॉक्स होना चाहिए। अगर आपके बिल बॉक्स नहीं तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको इसको इनेबल करना है। इसके बाद जैसे आप अपना सिंपल पे लेटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक फास्टैग का ऑप्शन मिलता है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च करना है कि किसके फास्टैग से यहाँ से पैसे लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से पेटीएम का फास्टैग यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं पेटीएम सर्च करूँगा तो यहाँ से पेटीएम पेमेंट बैंक का जो फास्टैग है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है अपना। तो यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर को डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक नेक्स्ट का बटन मिलेगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद इस तरह से अपना जो फास्टैग ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है कि कितने पैसे को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मुझे अभी 500 रुपये करके दिखाना है। आप ध्यान रखें कि एक बार में 100 से 1000 के बीच ही पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसका एक लिमिट होता है। तो यहाँ पे मैंने 500 रुपये को टाइप कर दिया एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से आपका जो पेमेंट है प्रोसेसिंग में लग जाएगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, और कुछ ही सेकेंड में यहाँ से मेरा पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी मैं आपको सब कुछ चेक करा कर दिखा देने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा प्रोसेसिंग में ही है पेमेंट। थोड़ा सा हम यहाँ से इंतज़ार करते हैं जब तक मेरा पेमेंट कंफर्म यहाँ से हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। 500 रुपये यहाँ से मेरे को कट चुके हैं और मेरे पेटीएम में आ चुके हैं। अभी नोटिफिकेशन बार में भी आपको दिखा देते हैं कि मेरे जो 500 रुपये हैं और पेटीएम वॉलेट में चले गए हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं 500 रुपये मेरे पेटीएम वॉलेट में ऐसे ऐड हो चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अभी मैं अपना पेटीएम ऐप को भी ओपन कर आपको चेक करा दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से हम अपना पेटीएम ऐप को ओपन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे लिखकर आ रहा है। अभी हमें ऐसे बैक होते हैं और अपना पेटीएम ऐप को ओपन करते हैं एंड इसके बाद आपको चेक करा देते हैं। देख सकते हैं कि मैं पेटीएम में आया और बैलेंस एंड स्टोरी पे, और यहाँ पे देखिए पेटीएम बैलेंस जो मेरा है 600 रुपया हो चुका है। मैंने कि इसके पहले दिखाया तो 100 रुपया था और यहाँ पे अभी 600 रुपया हो चुके हैं। और यहाँ पे बैलेंस एंड स्टोरी में आप देख सकते हैं कि अभी भी जस्ट मैंने ऐसे 500 रुपये को 12:57 PM पे मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे 600 रुपये मेरा यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, यानी कि किसी तरह का मेरे को चार्ज नहीं देना पड़ा और यहाँ पे मेरे पेटीएम वॉलेट में पैसे को ऐड कर लिए। अब पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके पहले मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। अगर आपको नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको आता है पेटीएम वॉलेट से बैंक में ट्रांसफ़र करना, तो फिर आप बहुत इजीली अपने बैंक अकाउंट में पेटीएम वॉलेट से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने सिंपल पे लेटर का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।